अस्सलाम वालेकुम साथियों, हकूक़ व फ़राइज़ के ये जो क्लिप्स हमने अपलोड किए, हमने कोशिश की कि हम टू द पॉइंट रहें और बहुत कुछ जो है वो इस वक्त में कवर कर लें, लेकिन ये वालिदैन के हकूक़ व फ़राइज़ और मियां बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ और ज़िंदगी गुजारने के सलीके, ये इतने भारी और इतने डिमांडिंग टॉपिक्स हैं आजकल के कि बहुत सा वक्त जो है हमारा वो इनको ही एक्सप्लेन करने में गुज़र गया। तो ये क्लिप जो हम तैयार कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम इस चीज़ पे फोकस करें कि हमसे ये गलतियाँ क्यों हुई, हम यहाँ तक पहुँचे क्यों। यूजुअली हमारे फेसबुक पेज से जो साथी वाकिफ हैं वो ये जानते हैं कि तीन किस्म के टॉपिक्स हैं जो हम वहाँ पर अलाउ नहीं करते। पहले दिन से उस पेज का ये रूल रहा है कि वहाँ पर कोई कारोबारी बात नहीं होगी, यानी कि कोई अपना बिज़नेस प्रमोट नहीं करेगा, वहाँ पर कोई मज़हबी बात नहीं होगी और वहाँ पर कोई सियासत की बात नहीं होगी। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि हमें लगा कि आज की दुनिया का सबसे बड़ा फसाद है। हमें यूँ लगा कि बहुत कुछ जो है वो लाइल्मी में हुआ है। ये जो भी हमने बातें की हैं इनका ताल्लुक इंसानियत से है, लेकिन इंसानियत है क्या, ये रूल कौन सेट करता है, अच्छाई का मयार जो है वो क्या चीज़ कायम करती है, कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है, वो दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो कि एक गाइडलाइन जो हमें ऊपर वाले की तरफ से मिली होती है, और दूसरी हमारी अपनी ट्यूनिंग, कि हमें हमारे बनाने वाले ने ट्यून ऐसे किया है कि हम अच्छी बात की तरफ झुकते हैं। तो एक अच्छी बात, एक नेकी की बात, एक भले का काम जो है वो इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। हर दौर में जब से ये दुनिया बनी है, हज़रत आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जितने भी प्रॉफिट्स आए वो तमाम के तमाम ऊपर वाले ने ही भेजे थे, और वो अपने इलाकों के लिए, अपनी कौमों के लिए जो है वो एक पैगाम देकर भेजे गए थे। समझाने के लिए मिसाल के तौर पर आपको बताते हैं कि एक कौम की तरफ तो वो पैगाम भेजता है कि आई फॉर एन आई, जान के बदले जान लो, और दूसरी की तरफ ये टीचिंग्स भेजता है कि अगर तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। क्यों ऐसा हुआ, क्यों एक ही ऊपर वाले ने दो किस्म की तालीमात वो भी एक दूसरे से इतनी मुख्तलिफ भेजी? वो इसलिए कि जिस कौम में उसने देखा कि बहुत ज़्यादा माफ़ी है, बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस है, इतनी है कि वो कौम तबाही की तरफ जा चुकी है, वहाँ पर उसने सख्ती की और सख्ती का और बदले का रिवाज डाला। और दूसरी कौम जो कि बहुत ही खून खराबे में मुब्तला थी, इंतकाम ही इंतकाम था, तबाही ही तबाही थी, उसको इंतहा की फॉरगिवनेस का रास्ता दिखाया, ताकि कम अज़ कम इस तरह पर एक मिडिल ग्राउंड्स जो हैं वो पैदा हों, एक अच्छा मुआशरा जो है वो बन पाए। आहिस्ता 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 ये तालीमात आती रहीं, आहिस्ता 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 इंसान जो है वो प्रोग्रेस करता रहा, टेक्नोलॉजी में भी, साइंस में भी, दीन में भी, स्पिरिचुअली भी, हर तरह से वो तरक्की करता चला गया। और यूँ जगह 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 दुनिया में फैली हुई कौमें जो थीं वो तरबियत पाती रहीं, वो सीढ़ियाँ तरक्की की चढ़ते रहे, यहाँ तक कि दीन मुकम्मल हुआ, वहाँ पर आकर एक मोहर लगा दी गई और कहा गया कि इसके बाद इसमें अब और किसी चीज़ को शामिल करने की गुंजाइश नहीं है, ये आपका दीन है, आप इसको फॉलो करें जिस तरह पर आपको तैयार किया गया, जिस तरह पर आपको बनाया गया, आपके लिए जो एक सेट रूल ज़िंदगी गुजारने के बना दिए गए वो इतने मुश्किल नहीं हैं। उनको इंसान की लाइल्मी ने, लैक ऑफ नॉलेज ने इस तरह का बना दिया है कि ना वो मान सकता है ना वो छोड़ सकता है। दीन है क्या, दीन तो है ही आम ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने की गाइडलाइन। ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसमें दीन का पहलू ना हो। अगर आपका शौहर आपके मुंह में एक निवाला ही मोहब्बत से डालता है तो वो भी दीन है, उसका कमाना जो है, उसका जाना जो है वो भी दीन है, आपका बच्चों की अच्छी तरबियत करना वो भी दीन है, घर के काम काज करना, सफाई रखना, मेहमानदारी करना, हमसायों के हकूक़ अदा करना, जानवरों पर रहम करना, हर चीज़ दीन है। तो जो कमज़ोरियाँ या जो तबाहियाँ आज हमारे माशरे में दिखाई देती हैं, हमको ऐसा लगता है कि वो लाइल्मी की वजह से हैं, वो लोग असल में हकीकत में दीन को जानते ही नहीं हैं। तो हमारे माशरे में गाइडलाइंस को समझने की गलती हुई है।
सही कैलकुलेट नहीं किया, सही अप्लाई नहीं किया, सही समझा नहीं हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए। सिर्फ़ एक किताब दी गई थी जुज़दानों में सजा के रखी गई है, उसको तो हम समझे नहीं, उसको तो हमने निकाल के पढ़ा नहीं। तो हम जो कहते हैं दीन की बात ना करो, इसीलिए कहते हैं कि जिसने दीन हासिल करना है उसके घर में मौजूद है वो किताब, उठाए और वो पढ़ ले। आप उसको दीवारों पर, आप उसको इंटरनेट पर, आप उसको फेसबुक पर, आप उसको यूट्यूब पर ना ढूंढें। आप अपने घर में जाकर वो एक किताब उठाएं। आपको एक बहुत लंबी उम्र अता की गई है, उस पूरी उम्र में क्या आपको इतना वक्त नहीं मिला कि आप सिर्फ़ एक बेसिक नॉलेज, बेसिक तालीम जो है वो उस किताब से हासिल कर लेते। ये दीन की बात नहीं है, आपकी एक गाइडलाइन की बात है। हमारे जो नबी थे, रहमतुल्लिल आलमीन थे, हर चीज़ उसमें समो जाती है। ये आजकल के ज़माने में अल्लाह तेरा अल्लाह मेरा, अल्लाह कोई थाली में रख के बांटने वाली चीज़ नहीं है। तो हकूक़ व फ़राइज़ जो हैं, अखलाकियात जो हैं, ज़िंदगी गुजारने के जो सिलसिले हैं, उनके कुछ रूल्स हैं। ये तमाम की तमाम हकूक़ व फ़राइज़ की बातें हैं। हमारा फ़र्ज़ है, हम पैदा किए गए, हम इस दुनिया में भेजे गए, हमें एक गाइडलाइन दी गई कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और हमारी ज़िंदगी गुजारने का जो सलीका है वो हमें हमारी किताब में लिखकर हमारे हाथ में पकड़ा दिया गया। जिसको नहीं समझ आती किसी बात की उस किताब से, तो वो अपने नबी का प्रैक्टिकल देख ले कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ हैं। वालिदैन के जो हकूक़ हैं वो बेशुमार हैं। आप वालिदैन का हक कभी अदा नहीं कर सकते, लेकिन वालिदैन का ये कहना कि हमने तुम पर यह एहसान किया, ये गलत है। वालिदैन को ये कहना चाहिए हमारा ये फ़र्ज़ था, हमने ये पूरा किया। औलाद को चाहिए कि वो ये कहे और माने कि वालिदैन ने उसके साथ, जबकि वो किसी लायक नहीं था, एहसान का सलूक किया, उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, दिन रात उसके लिए जागे, वो उनकी कभी हक अदाई नहीं कर सकता। तो इन अल्फाज के मायनों पे आप गौर किया करें, आपकी अपनी ज़िंदगी ही सहल हो जाएगी। दीन में तो आता है कि वालिदैन का इतना हक है और उनका इतना एहसान है कि औलाद उसको कभी नहीं उतार सकती। सिर्फ एक तरीका है, वो इस तरह है कि अगर वो स्लेव हो, अगर वो ग़ुलाम हो, तो औलाद उनको आज़ाद करा ले। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त सोचेंगे कि आजकल कहाँ ग़ुलाम पाए जाते हैं, ग़ुलामी के दौर तो कब के लद गए। ये कभी हो ही नहीं सकता कि उस वक्त की जो तालीमात थी वो सिर्फ़ उस वक्त के लिए ही जारी की गई थी, बल्कि वो रहती दुनिया तक जारी रहने वाली हैं। आज के दौर में अगर इस बात को समझा जाए तो इस तरह पर है कि अगर आपके वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, ज़यीफ़ हो चुके हैं, तो जिन कर्ज़ों में वो जकड़े हुए हैं उनको अदा कर दो। आपने देखा होगा आम तौर पे भी कि जब कोई गुजर जाता है उसके पीछे रह जाने वाले जो हैं वो पता करते फिरते हैं कि कहीं वो किसी के मकरूज तो नहीं थे, कहीं उन्होंने किसी की कोई रकम तो नहीं अदा करनी थी, कहीं उन्होंने कोई कर्ज़ा तो नहीं देना था। तो इस तरह पर उनकी औलाद या उनके जो लवाहिकीन होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि वो शख्स जो है वो अल्लाह के हजूर जब जाए उसको उस उधार के साथ ही ना खुदा को जवाबदेह होना पड़े। तो ये भी एक आज़ादी ही है जो आप अपने माँ बाप को दिलाते हैं। इसी तरह पर बहुत सी डीड्स ऐसी होती हैं, बहुत से गुनाह भी ऐसे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बड़ों से कोई गलतियाँ हुई हैं, कोई जुल्म हुए हैं, तो अगली नस्लों को चाहिए कि वो उनके लिए मुआफ़ी के तलबगार हों। एक रिहाई उनकी ये भी है। आपने देखा ही होगा एबरिजिनल्स और ऑस्ट्रेलियन के जो सिलसिले हैं कि एबरिजिनल्स की जो स्टोलन जनरेशंस थी, जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने उन पर मजालिम ढाने शुरू कर दिए। आज भी ऑस्ट्रेलिया डे पर हमारे हकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो एबरिजिनल्स के बड़ों से खड़े होकर पब्लिकली माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलतियां हो गई, हमें माफ़ कर दो। तो ये होती हैं वो रिहाइयां जो उस दौर से चली आती हैं और आज तक जारी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप समझें, अगर आप इनको समझ लेंगे तो हकूक़ और फ़राइज़ अपनी अपनी जगह पर अदा होते रहेंगे। मुआफ़ी मांगना उसका फ़र्ज़ था, और जिससे मुआफ़ी मांगी गई ये उसका हक़ था कि उससे मुआफ़ी मांगी जाती। तो ये हैं वो गाइडलाइंस, ये हैं वो सिलसिले समझने वाले जिससे एक अच्छा मुआशरा जो है वो जन्म लेगा। हर रिश्ता जो है वो एक बैलेंस पर आएगा। दीन ह्यूमन नेचर है,
कहा जाता है कि हर शख्स जो पैदा होता है, हर इंसान जो पैदा होता है, वो दीन इस्लाम पर पैदा होता है। उसके बाद उसको, उसके आसपास के लोग, उसका माहौल, उसकी तालीमात, उसके माँ बाप जो हैं जिस दीन में चाहे डाल देते हैं। आप यूँ समझें कि वो अभी पीछे की तरक्की की सीढ़ियों पर हैं, वो अभी उन तालीमात तक पहुँचे हैं जो उन तक पहुँची। उसके बाद वक्त आएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो भी तरक्की करते चले जाएंगे। तो इंसान जो है उसकी सारी ज़िंदगी एक ट्रैक पे चलते हुए गुजरनी चाहिए। तो बुराई और अच्छाई उनके बीच में एक बहुत क्लियर लाइन होती है। हमने जो भी डिस्कस किया पीछे के तीन क्लिप्स में जो हमने हकूक़ व फ़राइज़ के अपलोड किए, वो मोस्टली हमने मुआशरे को, आज के मुआशरे को अपने सामने रखते हुए किए। हमें अगर कमज़ोरी लगी बीवियों में, ख़वातीन में, कि वो सुस्त हैं, वो मेकअप पे, फैशन पे ज़्यादा फोकस करती हैं, वो हक अदाई नहीं करती अपने घर की, उनका शौहर जो कमा के लाता है उसने महल बना के दे रखे हैं लेकिन वो उसकी देख रख नहीं करती, तो ये उसकी हक अदाई नहीं है, ये बेईमानी है उस कमाने वाले के साथ भी और उस घर के साथ भी जो उसको मिला है, जो उसे दिया गया है। आजकल की दुनिया जो है वो तो एक मटीरियलिस्टिक दुनिया है, ये तो एक और ही डगर पे चल निकली है। आजकल तो हर कोई कमाने के चक्करों में है, हर कोई पैसा बनाने के चक्करों में है। आज भी हमारे पास अब्बा की एक डायरी मौजूद है जिसपे उन्होंने एक अखबार का कागज़ चस्पा कर रखा है, अखबार की कटिंग लगा रखी है, उस पर वो नज़म लिखी हुई है, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो इस ज़िंदगी को एक सलीके से गुजारें, एक बैलेंस से गुजारें। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं आजकल की, ज़ाहिर है उन्होंने कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही होती है, फिर वो ब्याह ही जाती हैं, फिर आगे बाल बच्चे के सिलसिले होते हैं। तो पढ़ी लिखी लड़कियां जो हैं वो एक मुश्किल में आ जाती हैं। वो बिलाशुबा एक माँ हैं और अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं, लेकिन उनको ये एहसास होने लगता है कि हमने इतने साल जो मेहनत की, अपना कैरियर बनाया, वो क्या सिर्फ नैपीस बदलने के लिए था या हांडी रोटी पकाने के लिए था। बाद शौहर हैं जो अपनी बीवियों को जॉब्स करने की इजाज़त नहीं देते, वो नहीं पसंद करते, नहीं चाहते, हालांकि वो बच्चियां पहले से जॉब्स पर होती हैं, अपना एक कैरियर रखती हैं, लॉयर्स होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं, इंजीनियर्स होती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होती हैं, साइंटिस्ट्स होती हैं। ये वो बच्चियां होती हैं जिन्हें खुदा ताला ने जहानत बख्शी होती हैं, उन्होंने मेहनत की होती है, एक मकाम अचीव किया होता है। बहुत से ज़िंदगी के ऐसे शोबे हैं जहाँ पर औरत की एक ज़रूरत है। अगर वो बच्ची ब्रेनी है, वो पढ़ना चाहती है, वो अगर चांद को निशाना लगा सकती है तो लगाने दें उसको। और उनको ब्याह कर ले जाने वाला जो है वो पहले से ये देख ले कि ये बच्ची ऐसी है, मैं इसको अपने घर लेके जा रहा हूँ, इससे मैंने सिर्फ आलू गोश्त नहीं बनवाना है। तो हजरात को ये चाहिए, लड़कों को ये चाहिए कि अगर उन्होंने एक कैरियर बनाने वाली बच्ची को नौकरी नहीं करने देनी तो उस पर हाथ ना डालें। और उनका ये फ़र्ज़ है कि ये सब बातें शादी से पहले, रिश्ता करने से पहले डिस्कस कर लें कि दूसरा इस पर राज़ी है भी कि नहीं। हम नहीं कहते कि घरों में रहने वाले लोग जो हैं वो अदना ही होते हैं, वो औरतें बेवकूफ़ ही होती हैं। अगर वो डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर नहीं बनी तो उनके पास अकल नहीं थी, ये बात नहीं होती है। इंसान को ये चॉइस दी जाती है कि वो कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहता है, इंसान को ये चॉइस दी जाती है कि वो क्या बनना चाहता है, किस किस्म की ज़िंदगी पसंद करता है, ये उसकी मर्ज़ी होती है। हर शख्स को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी होती भी है, इसके बावजूद वो उसको पसंद नहीं करते और उसे छोड़ देते हैं। फिर नौकरी पेशा ख़वातीन जो हैं, जब उनकी ये ड्यूटीज़ शुरू होती हैं, उनके वालिदैन होने के फ़राइज़ शुरू होते हैं, उनको महसूस होने लगता है कि वो इतना पढ़ी लिखी थी और उनकी ज़िंदगी जो है सिर्फ बच्चे के गिर्द और घरदारी के गिर्द घूम कर रह गई है, तो उनके लिए ये है कि थोड़ा सा वक्त है, सब्र से काम लें, जो जितना भी आजकल पढ़ ले वो कम है, ऑनलाइन वो हर किस्म की तालीम हासिल कर सकती हैं, वो बैठी उस वक्त में अपने इल्म में इजाफा करें, वो साथ बच्चा भी देखें, घर की छत के नीचे बैठें, कोई इम्तिहान शम्तहान दें, कोई किसी चीज़ की तैयारी करें, किसी रिसर्च में हिस्सा लें, किसी और पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ नज़र डालें। तो जिस वक्त आपका बच्चा इतना हो जाए कि वो स्कूल जाने लगे, आप उस दिन हफ्ते में तीन दिन बेशक जाके जॉब कराया करें, या पाँच दिन करनी हो तो सुबह गए, बच्चे को छोड़ा, 3 बजे तक नौकरी की और फिर बच्चे के आने के साथ ही आप भी घर आ गए।
तो ये थोड़ा सा वक्त होता है, मुश्किल वक्त होता है। कल को आपके पास सब कुछ होगा जो आपने कमाया है, आपके महल होंगे, गाड़ियाँ होंगी, नौकर चाकर होंगे, लेकिन आपकी औलाद आपकी ना होगी, क्योंकि वो सबसे पहले खड़ी होकर यही कहेगी कि मुझे सब दिया लेकिन माँ बाप ने वक्त ना दिया। आप आम ये मैसेज चलता हुआ इंटरनेट पे हर जगह देखेंगे कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो तुम अपनी औलाद को दे सकते हो, सबसे बेहतरीन तोहफा जो तुम अपनी औलाद को दे सकते हो, वो तुम्हारा वक्त है। ये आवाज़, ये बात आपकी नज़र से कभी ना गुज़रती अगर इस चीज़ को आज की नस्ल तरसती ना होती। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर आपने फोकस करना है। हर चीज़, रिश्ता करते समय, शादी करते समय, रिश्ता मांगते समय, किसी को कंसीडर करते समय सामने होनी चाहिए। फिर बच्चे जो हैं वो हाथ से निकले जा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात माँ देख रही होती है, माँ को अंदाज़ा हो जाता है, बाप तो सुबह का निकलता है शाम को घर आता है, लेकिन माँ के सामने वो बच्चा ज़्यादातर मौजूद होता है। और माँ जो है, आज अगर कोई ये कहता है कि उसको पता ही नहीं चला कब उसका बच्चा जो है वो हाथ से निकल गया, कब उसका बच्चा ड्रग्स करने लगा, कब उसका बच्चा स्मोकिंग करने लगा, कब उसका बच्चा किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया, ये बात बिल्कुल गलत है। माँ को अपनी औलाद का पता होता है, और अगर नहीं पता तो यकीनन वो एक नाअहल माँ है जो अपने ऊपर इतना फोकस करती रही कि उसने देखा ही नहीं कि उसके आसपास हो क्या रहा है। उसके फ़राइज़ में ये चीज़ शामिल है कि वो अपने बच्चे पर एक नज़र रखे, उसको बताती रहे, उसको कहती रहे, उसके साथ कम्युनिकेशन, बातचीत जारी रखे। आपका बच्चा आकर हर बात आपको बताए, वहाँ से आपने पिक करना होता है कि आपके बच्चे ने कहाँ पर गलत कदम उठाया। ये जो बात अमूमन दिखती है कि बच्चे का कंप्यूटर आपके सामने हो, बच्चे का आईपैड आप देखते रहें, आप बच्चे का फ़ोन चेक करें, आप बच्चे को इस तरह नहीं बचा सकते, कभी नहीं बचा सकते, बल्कि ये तो और तबाहियों की तरफ फेंकने वाली बात है। आप बच्चे के कंप्यूटर पे किस हद तक नज़र रख लेंगे? आज तो ये कंप्यूटर, ये इंटरनेट, ये सारी सर्विसेज, ये सारा यूट्यूब आपके बच्चे के मोबाइल फ़ोन में मौजूद है। तो ये बातें नहीं होती हैं। लोग कहते हैं रात के वक्त आप अपने बच्चे को फ़ोन ना दें, लोगों के साथ चिट चैट करते रहते हैं, गंदी गंदी फिल्में देखते रहते हैं, आप अपने बच्चे का फ़ोन जो है वो अपने पास रखें। रात के वक्त आप रख लेंगे, दिन के वक्त स्कूल में क्या कर रहा होगा आपका बच्चा, आप कहाँ तक उन्हें रोक लेंगे? रोकने के सिलसिले इस किस्म की पाबंदियों पर नहीं चला करते। आपके बच्चे को इतनी समझ, इतनी अकल होनी चाहिए, ये दुनिया एक मैदान जंग है। जब आप अपने बच्चे को अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकालते हैं तो आप उसको ज़रा बख्तर पहना के निकालें, आप उसको तैयार करके निकालें कि उसको पता हो कि कौन सी गैर की ज़मीन है, कौन सा गलत कदम है जो वो उठा सकता है, कौन सी ऐसी ख़तरनाक चीज़ है जिसका वो शिकार हो सकता है। आज के माँ बाप को ये फुर्सतें नहीं हैं कि वो साथ अपने औलाद के वक्त गुजारें और उस पर नज़र रखें, उसको पल पल बात बता सकें। हर रोज़ स्कूल छोड़ते हुए सोनी को जिस वक्त हम गाड़ी में ड्राइव कर रहे होते हैं, एक नया टॉपिक, एक नई नसीहत, एक नया सिलसिला जो है वो चल रहा होता है, रोज़ हम उसको एक नई बात बता रहे होते हैं, रोज़ हम उसको एक नई नसीहत कर रहे होते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि वो कहते रहें, माँ बाप को चाहिए कि जो बुराई भी वो ज़माने में देखते हैं वो अपने घर में मेंशन करें। बहुत से लोग ये कहते हैं बच्चों के सामने नहीं कहना, बच्चों के सामने बात नहीं करनी, हाय हाय वो उसकी बेटी घर से भाग गई, बच्चों को ना पता लगे। ये बात नहीं है, आप अपने घर में डिस्कस करें, उस चीज़ पर आपके माथे पे बल आने चाहिए और आपके बच्चों को ये पता लगना चाहिए कि आपने उस चीज़ के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत का इजहार किया। अगर आप ये सब कुछ अपनी औलाद से छुपाते रहेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ कितनी नफ़रत के लायक थी। आप अपने ज़हन की, अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोलें, जो बात भी आपके दिल को ना लगे, जो बात भी आपको समझ ना आए, कोशिश के बावजूद भी आप समझ लें कि वो आपके इल्म के ख़जाने में रखने लायक नहीं है। हर बात का, हर सिलसिले का एक सर पैर है, आपको वो बात समझ आनी चाहिए, उसकी रीजनिंग करना सीखें, क्यों है, क्या वजह है, क्या नतीज निकले, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो आपके जो फ़राइज़ हैं आपकी औलाद की तरफ बनते, उसमें ये भी शामिल है कि आप अपनी औलाद पर नज़र रखें, लेकिन इस तरह नहीं कि आप उसका कंप्यूटर झांक रहे हैं, आप उसका फ़ोन उठा उठा के देख रहे हैं। ये पाबंदियाँ आप अपनी औलाद पर नहीं लगा सकते।
आप इन चीज़ों को करने से अपनी औलाद को नहीं बचा सकते, आप उसको और होशियार कर रहे हैं। वो फ़ोन जो आज आपके सामने वो रख के जाता है, कल को वो आपके सामने रखेगा भी नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उसको पकड़ जब ही सकते हैं जबकि वो आपके सामने हो। आप पहले कदम पे ही गलती करके अपने बच्चे को अलर्ट कर देते हैं, वो पहले ही होशियार हो जाता है और वो गलती करता ही नहीं जहाँ पर उसको पकड़े जाने का गुमान हो। हमारे इस जुमले को बारहा सुनिएगा ताकि आप हमारी बात को समझ सकें। इसमें बहुत पते की बात है, बच्चा नादान होता है। बच्चे को वो आज़ादी दें जो वो चाहता है, उसको फ़ोन दें, उसको कंप्यूटर दें, ताकि उसकी गलती का पहला कदम आप देख सकें कि उसने कब उठाया और आप उसको रोक सकें। अगर माँ बाप मिलके पहले ही रोज़ एक हल्ला डाल देंगे, एक शोर डाल देंगे, एक पीछे पड़ जाएंगे, वो बच्चा अपने सब दरवाज़े आपकी तरफ से बंद कर लेगा और आपको अपना दुश्मन समझने लगेगा। तो ये फ़ासले आप अपने और अपनी औलाद के दरमियान पैदा ना करें। अगर माँ को लगता है कि उसका बच्चा कोई गलती कर रहा है, या वो स्मोकिंग कर रहा है, या आपकी बच्ची किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व हो रही है, या किसी लड़के के उसको मैसेजेस आ रहे हैं, कोई भी इस किस्म की बात जो आपको लगती है कि आपका बच्चा गलत कर रहा है, तो आप अपने बच्चे को आराम से तसल्ली से कह दें कि बेटा देखो, मैं इस तरह पर महसूस कर रही हूँ, देखना बचना। अगर आप दूसरी दफ़ा फिर उसको इस तरह पर करते देखते हैं तो आप उसको कह दें कि बेटा, मैं तुम्हारे वालिद से इस सिलसिले में बात करूँगी। आप उस बच्चे के बाप को इस चीज़ की इत्तला करें, चूँकि वो आपको अपनी गैर मौजूदगी में अपने घर पर और अपनी औलाद पर निगरान छोड़े जाता है। आपने उसके आने पर सारे दिन की उसको रिपोर्ट करनी होती है, यह आपका फ़र्ज़ है। अगर आप कोई भी ऊंच नीच देखते हैं तो आप अपनी औलाद पर इस तरह पर्दे ना डालें कि वो एक दलदल में धंसती चली जाए। अगर वालिद इतना ज़रूरी ना होता, अगर उसका एक खौफ, एक दबदबा इतना ज़रूरी ना होता, तो वालिद के होने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने हमेशा सुना होगा, बाप सर पे नहीं था, औलाद हाथ से निकल गई। तो ये बात बिल्कुल सच है कि बाप जो है वो आता है तो उसका एक रोब, एक दबदबा होता है, उसका एक खौफ होता है, वो घर का निगरान है। और आप वालिद से मशवरा करें, दोनों मिल के बैठें, क्योंकि अगर नुकसान होता है तो दोनों का होता है। तो ये बातें बहुत टैक्टफुली, बहुत समझदारी से हैंडल करने वाली होती हैं, और बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो इतने आसान होते भी नहीं। तो ये तो थी कुछ बातें ज़िंदगी के आम पहलुओं के बारे, हमारी गाइडलाइन के बारे और हमारे अहकामात के बारे। तो खुदा करे कि हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक मिले। जो तालीमात हम तक पहुँची, हम उस पर अमल करने वाले हों और हमारा बनाने वाला हमसे हमेशा राज़ी हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।